क्लास 12th CBSE. गुड मॉर्निंग क्लास. गुड मॉर्निंग. जनसंचार देखिए, वो जनसंचार जो होता है, जनसंचार की विधान क्या होती है. पहला है संचार किसे कहते हैं. पहला आता है क्वेश्चन नंबर 1 कि संचार किसे कहते हैं. संचार किसे कहते हैं, तो ये लिखा होता है संचार के. संचार के मूल में सन कहते हैं संचार. संचार मतलब चर के मूल में, संचार के मूल में चर धातु होती है, चर. और चर का अर्थ क्या होता है, चर का अर्थ होता है, चर का अर्थ होता है विचरण करना. चर का अर्थ क्या होता है, विचरण. चरना मतलब विचरण करना, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, मतलब विचरण करना. विचरण करना मतलब एक से जगह, एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाना. तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, ये पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है और अन्य प्राणियों का भी हो सकता है, ध्वनि का भी हो सकता है, चित्र का भी हो सकता है और प्रकाश का भी हो सकता है, मतलब किसी का भी हो सकता है. ठीक, किसी का भी हो सकता है. चरना, चरना मतलब होता है विचरण करना. तो परंतु हम कहते हैं, हम लोग जिस संचार की बात कर रहे हैं, जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है, मानव के संदेशों को पहुंचाना. मानव के संदेशों को पहुंचाना, पहुंचाना. पहुंचाने का तात्पर्य क्या होता है, पहुंचाना मतलब क्या होता है, संदेश भेज देना अथवा संदेश प्राप्त करना. इसके लिए दो लक्षण अनिवार्य होते हैं. नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब संदेश भेजेंगे तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाएगा, तो दो व्यक्ति हों या दो से अधिक व्यक्ति हों, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और उनके बीच में किसी संदेश का ग्रहण होता है, मतलब संदेश पहुंचता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में. ठीक, और क्या होता है, उनके बीच में किसी संदेश का ग्रहण, मतलब ग्रहण करना भी होता है, लेना भी होता है, एक दूसरे को देना भी होता है. ठीक है ना, तो संचार जो होता है, इसलिए संचार शास्त्री जी कहते हैं कि संचार जो होता है अनुभवों की साझेदारी है. संचार जो होता है, संचार अनुभवों की साझेदारी है. अनुभव, हम लोग जो अनुभव होते हैं हम लोगों के, वो हम एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं, उसे संचार जो होते हैं अनुभवों की साझेदारी कहलाती है. ठीक, तो देखिएगा संचार माध्यम कहते हैं कि सूचनाओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से हम लिखित करके मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार कहलाता है. मतलब सूचनाओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, लिखित भेजना, मौखिक भेजना, देख करके भेजना, सुन करके भेजना, ये सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना संचार कहलाता है. क्या कहलाता है, संचार कहलाता है. ठीक, तो कहते हैं कि संचार माध्यम कौन कौन से होते हैं. तो संचार माध्यम कौन से होते हैं, संचार माध्यमों से हमारा आशय होता है जैसे समाचार पत्र,
फिल्में देखना, टेलीफोन, टेलीफोन के द्वारा हमें सब बातें पता चल जाती हैं, है ना, रेडियो के द्वारा पता चलती हैं, रेडियो के द्वारा पता चल जाती हैं, दूरदर्शन के द्वारा पता चलते हैं, इंटरनेट के द्वारा पता चलती हैं। तो समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट, और इंटरनेट के माध्यम से ये सब बातें हम लोगों को पता चल जाती हैं। मतलब संचार माध्यम, हमारे संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, तो पूछा जाता है संचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं, तो संचार के माध्यम में आता है समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट, दूरदर्शन और इंटरनेट। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद में देखिएगा, पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि कुटीकरण क्या होता है, कुटीकरण क्या होता है, कहते हैं कुटीकरण का क्या अर्थ होता है। ठीक है, कुटीकरण का क्या अर्थ होता है, कुटीकरण, यहाँ संचार किसे कहते हैं, नंबर लिख देते हैं, कुटीकरण क्या, कुटीकरण, कुटीकरण का क्या अर्थ होता है। ठीक, तो कुटीकरण का क्या अर्थ होता है, देखिए कुटीकरण जो होता है, कुटीकरण जो होता है, प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य, जो प्राप्तकर्ता है उसको समझाने के योग्य कूटों में संदेशों को भेजना, कूटों में संदेशों को भेजना कुटीकरण या एनकोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, एनकोडिंग कहलाती है, मतलब संदेशों को भेजने के लिए हम संकेतों का, हम संकेत किसी को संदेश भेजते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, संदेशों को भेजने के लिए हम संकेतों का या ध्वनि चित्रों का, हम संकेतों का या ध्वनि चित्रों का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं ना। तो भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड कहलाता है, कूटीकरण उसी कहते हैं, मतलब हम संदेशों को, हम किसी को संदेश को भेजने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम संकेतों के माध्यम से भेजते हैं या हम ध्वनि चित्रों का उपयोग करते हैं। तो भाषा भी जो होती है एक प्रकार का कुटीकरण होती है। तो प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश भेजना ही कुटीकरण या एनकोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, एनकोडिंग कहलाती है। ठीक, एनकोडिंग कहलाती है, मतलब क्या होता है, संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है उसमें, मतलब संदेश को भेजने के लिए ध्वनि चित्रों का या संकेतों का प्रयोग किया जाता है और उपयोग कहते हैं। तो भाषा भी जो होती है एक प्रकार की क्या कहलाती है, कूट चिन्ह या कोड कहलाता है, कोड कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं कूटीकरण कहते हैं, टेंथ की बुक नहीं है। तो उसमें नहीं, उसमें तो उसे हम कोडीकरण कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं डीकोडिंग से आप क्या समझते हैं, डीकोडिंग से आप क्या समझते हैं। तो कूटीकरण की जो उल्टी प्रक्रिया होती है, कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। ठीक, कूटीकरण की जो उल्टी प्रक्रिया होती है वह कूटवाचन कहलाती है। इसके माध्यम से संदेश का प्राप्तकर्ता कूट चिन्हों में बंधे हुए संदेश भेजता है, मतलब कूट चिन्हों में बंधे हुए संदेशों को भेजता है। उसके लिए आवश्यक होता है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो संचारक समझता है, मतलब कोड होते हैं कि अपने अपने कोड, मतलब ये बोलेंगे तो उसको ये समझ में आ जाएगा, कोड होता है। जैसे कभी कभी दुकानदार होते हैं, मतलब कोड में किसी कपड़े के ऊपर नाम लिखना, मतलब प्राइस लिखना होता है तो अपना कोड नंबर लिख देते हैं, तो उससे उनको पता चल जाता है कि ये जो है शर्ट है इतने रुपए की है, तो उनका कोड होता है। लेकिन यहाँ पे तो संदेश भेजने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे तो संदेश की बात होती है। तो कहते हैं कि प्राप्तकर्ता जो है कूट चिन्हों में ही संदेश भेज देता है और प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो भी संचारक समझता है, जो संचारक मतलब जिसने उसे भेजा है। ठीक, अब देखिएगा, संदेश प्रक्रिया
या फीडबैक किसे कहते हैं? फीडबैक किसे कहते हैं? कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर, कहते हैं कूटीकृत, कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। जब उसको संदेश पहुंचता है तो वो अपनी प्रतिक्रिया, मतलब अपना एक्शन लेता है। तो ये आवश्यक है, इसी से पता चलता है कि संचारक का संदेश, समझाया, इससे पता चलता है कि संचारक का संदेश जो है प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है और ठीक ठाक पहुंच गया है। जब वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि उसके पास ये संदेश हमारा पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है? तो कहते हैं कोडबैक, फीडबैक, कहते हैं संदेश प्रक्रिया, संदेश प्रक्रिया या फीडबैक किसे कहते हैं? फीडबैक। तो फीडबैक के लिए क्या होता है? कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता, जब कूटीकृत संदेश पहुंचता है तो प्राप्तकर्ता क्या करता है? अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है, और इससे पता चलता है कि संचारक का संदेश जो है प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है और ठीक ठाक पहुंच गया है, और ठीक ठाक पहुंच गया है। ठीक ठीक। अब देखिएगा, आता है संचार के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। संचार के विविध प्रकार मतलब होता है कि संचार कितने प्रकार के होते हैं, संचार जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो संचार के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर एक, सांकेतिक प्रचार, संकेतों के माध्यम से देना, ठीक। नंबर दो, मौखिक संचार, मतलब मुंह के द्वारा बोलना, और अमौखिक संचार, लिखित संचार, है ना, समूह में संचार, और अंतःवैयक्तिक संचार। तो पहले क्या होता है? पहला होता है सांकेतिक विचार, सांकेतिक मतलब संचार करना, संकेतों के माध्यम से देना, ठीक। नंबर दो, मौखिक, मुंह से बोल करके देना। दूसरा, अमौखिक संचार, लिखित संचार, जन संचार, और समूह संचार, समूह के द्वारा, समूह में बैठ के संचार होता है, मतलब तो समूह, सामूहिक संचार, और एक होता है अंतः वैयक्तिक संचार। क्या होता है? अंतः, अंतः वैयक्तिक संचार, ठीक है, अंतः वैयक्तिक संचार, ठीक। अब देखिएगा, आता है कि सांकेतिक संचार से क्या होता है। तो सांकेतिक संचार का मतलब एक आप समझ सकते हैं कि संकेतों के द्वारा, संकेत, अपने विचारों को संकेतों के द्वारा इधर उधर पहुंचाना, जैसे मनुष्य का हाथ जोड़ना, मनुष्य का हाथ, मतलब हाथ जोड़ना, मनुष्य का हाथ मतलब पांव छूना, हाथ मिलाना, सिग्नल देना, लाल बत्ती होना, हरी बत्ती देना, कि मतलब लाल बत्ती जल गई है तो रुक जाइएगा, हरी बत्ती जल जाएगी तो चले जाइएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की ये जो सांकेतिक चिन्ह होते हैं, इससे मनुष्य को अपने अंगों को, अपने अंगों का या अन्य उपकरणों का उसे प्रयोग करना होता है। तो ये होते कहलाते हैं सांकेतिक संचार, ठीक है। और मौखिक संचार क्या होता है? मौखिक संचार होता है मुख के द्वारा, मुख के द्वारा ध्वनियों के माध्यम से, मुख के द्वारा ध्वनियों के माध्यम से हम अपने विचारों को एक से लेकर के दूसरे तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, लिखा है अमौखिक संचार क्या होता है। अमौखिक संचार होते हैं सांकेतिक संचार, लिखित संचार, और चित्र और फिल्म द्वारा संचार होता है। अमौखिक मतलब मुंह से नहीं बोलना है, संकेतों के माध्यम से देना है, लिख करके देना है, और चित्र के द्वारा देना है, फिल्मों के द्वारा देना है, ठीक हो गया। अब देखिए, आता है समूह संचार। समूह संचार क्या होता है? जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है, मतलब समूह में, समूह मतलब होता है झुंड में, ठीक है ना। तो जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है, या किसी समूह के सदस्य आपस में मिलकर के विचार विमर्श करते हैं, तो उसे हम समूह संचार कहते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे कक्षा में पढ़ना, पढ़ाना, किसी संस्था की बैठक होना, या समझ लीजिएगा कहीं जा करके भाषण देना, या जलसा, जलूस, समूह संचार के ही उदाहरण होते हैं, मतलब ये होते हैं समूह संचार। क्या होता है? समूह संचार होता है, ठीक ठीक है। समूह संचार तब हो गया आपका पूरा,
और एक क्वेश्चन रह जाता है अंतः व्यक्ति संचार। अंतः व्यक्ति संचार क्या होता है? दो व्यक्तियों के मध्य में होता है। अंतः व्यक्ति संचार जो होता है दो व्यक्तियों के मध्य में होता है, दो व्यक्तियों की बातचीत होती है, जैसे माता और पुत्र की बातचीत, पिता और पुत्र की बातचीत, या माँ और बेटी की बातचीत, या किसी परिचित और अपरिचित के साथ में बातचीत, इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। मतलब अंतः व्यक्ति माँ बेटी का, माँ और बेटी का, पुत्र और बेटी बेटी का, पुत्र के साथ पिता का, है ना, पुत्र के साथ पिता का, माँ के साथ बेटी का, पिता का, पुत्र, दो मित्रों की बातचीत का, और किसी परिचित और किसी अपरिचित की बातचीत जो है इसी कोटि के अंतर्गत आती है। नौकरी के लिए दिया गया साक्षात्कार भी अंतः व्यक्ति संचार ही, अंतः व्यक्ति संचार का ही उदाहरण होता है। ठीक, तो अंतः व्यक्ति संचार हो गया, समूह संचार भी हो गया। अब कहते हैं कि जन संचार जो होता है अन्य संचारों की तुलना में किस कारण महत्वपूर्ण होता है? तो कहते हैं कि मतलब जन संचार अन्य संचारों की तुलना में, तो जो जन संचार होता है, समूह संचार का दायरा जो होता है बहुत सीमित होता है। समूह मतलब इतना बड़ा समूह होता है तो समूह संचार का दायरा जो होता है सीमित होता है, इतने के ही बीच में बात होनी चाहिए, है ना। तो समूह संचार का जो दायरा होता है, दायरा मतलब उसकी क्रॉसिंग लिमिट जो होती है बहुत सीमित होती है। बड़ी बड़ी रैलियाँ, मेले, चुनावी सभाओं, धार्मिक आयोजनों की बात करें तो उनका भी व्यापक अधिकतम मतलब व्यापकता जो होती है लाखों तक होती है। किंतु रेडियो समाचार पत्र, इंटरनेट, दूरदर्शन आदि माध्यमों का फैलाव जो है, आदि जो माध्यम है करोड़ों श्रोताओं तक चला जाता है। एक बार टीवी चलती है और सारी जगह पूरे पूरे देश में बात फैल जाती है तुरंत, तो करोड़ों श्रोताओं तक पहुंच जाता है। वास्तव में जन संचार हजार हजार बाहुओं वाला देवता है। जन संचार इससे टीवी के माध्यम से, है ना, होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है, समाचार पत्र सभी के यहाँ चला जाता है, तो क्या होता है कि बहुत दर्शकों तक पहुंच जाता है। तो वास्तव में कहते हैं जो जन संचार होता है हजार बाहुओं वाला देवता माना जाता है कि जन संचार जो है अन्य संचारों की तुलना में किस कारण महत्वपूर्ण है। समझ आ गया? देखिए अब आता है जन संचार किन कार्यों को संपन्न करता है। तो जन संचार जो है क्या करता है? अनेक प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है। पहला क्या देता है? पहले तो सूचना देता है। जन संचार सूचना देता है क्योंकि पहला कार्य उसका होता है सूचना देना। प्रिंट मीडिया का तो नाम ही समाचार पत्र है, प्रिंटेड जो न्यूज वगैरह निकलती है, समाचार पत्र आता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको प्रिंट कर दिया जाता है, उसको प्रिंटिंग मिलाया जाता है। तो प्रिंट मीडिया का तो नाम ही समाचार पत्र है, तो कहते हैं प्रिंट मीडिया में सबसे पहले आता है समाचार पत्र। ठीक है, दूरदर्शन हो या इंटरनेट, इनका भी प्रमुख कार्य तेजी से सूचनाओं को वितरित करना होता है, मतलब दूरदर्शन या इंटरनेट। ठीक है ना, और सेकंड नंबर में आता होता है, नंबर एक होता है सूचना देना, नंबर दो होता है शिक्षित करना। जन संचार माध्यम जनता को शिक्षित करते हैं और सजग बनाते हैं। समाचारों के अतिरिक्त वे नई नई जानकारियां देना भी जन संचार का धर्म होता है। ठीक है, मनोरंजन नंबर थर्ड में आता है, मनोरंजन करते हैं। तो जब से रेडियो का और दूरदर्शन का आविष्कार हो गया है तब से जन संचार का मुख्य कार्य क्या हो गया है? व्यक्तियों का मनोरंजन करना होता है। भारत की अधिकांश जनता क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का प्रयोग मनोरंजन के लिए क्या करती है? टीवी चलाया, गाने सुने, अच्छे सीरियल्स देखे, तो मतलब क्या करती है, मतलब एंटरटेन करती है अपने आप को, मनोरंजन करती है अपना। तो नंबर थर्ड होता है निगरानी करना।
जन संचार माध्यम जो होते हैं लोकतंत्र के पहरेदार होते हैं। लोकतंत्र में क्या हो रहा है, मतलब देश में क्या हो रहा है, वे समाज को किसी भी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। सरकार, धर्म, केंद्र या अन्य किसी संस्था के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध वे जनमत बनाते हैं। ठीक। और नंबर 4 में आएगा एजेंडा तय कर लेते हैं। एजेंडा कैसे, कि जन संचार माध्यम किसी मुद्दे को उठा करके उसे देश समाज के केंद्र में ले जाते हैं। किसी एक मुद्दा उठा लिया, एक मुद्दे को उठा करके देश और समाज के केंद्र में ले गए। वे सरकार तथा समाज के प्रतिनिधियों को मत देकर तथा मुद्दों को व्यापक महत्व देकर के समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का प्रयत्न कर देते हैं। मतलब किसी मुद्दे को उठा लिया और उसको देश और समाज के केंद्र में ले गए और प्रतिनिधियों के मत दे करके और मुद्दे को व्यापक महत्व दे दिया, तो क्या होता है, वो किसी खास दिशा की ओर मोड़ ले जाते हैं। ठीक। और नंबर लास्ट में आता है कि विचार विमर्श करना। तो कहते हैं जन संचार के जो माध्यम होते हैं उन पर हम विभिन्न विचारों पर आदान प्रदान भी करते हैं, विभिन्न विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक और मुख्य संपादक संपादकीय लेकर तथा प्रसिद्ध विद्वानों के लेख छाप करके जनता को प्रभावित करते हैं। और दूसरी ओर पाठकों की आवाज़ भी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन में व्यक्त होती हैं। इस प्रकार जन संचार माध्यम एक विचार मंच बन जाता है। मतलब जो टीवी होती है, दूरदर्शन जो होता है, उसमें सारे लोग बैठते हैं और सब लोग अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यार देश में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, तो ठीक है ना। तो सब लोग अपने अपने मुद्दों को रखते हैं। अपने अपने मुद्दों को रखने के बाद में फिर उनके ऊपर एक मत होता है। पाठकों की आवाज़ जो होती है, समाचार पाठकों की जो पाठक जो लोग होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, दूरदर्शन में व्यक्त होती है, इस प्रकार जन संचार माध्यम जो होता है, एक विचार मंच, विचारों का मंच बन जाता है, स्टेज बन जाता है, कि यहाँ पर विचारों का स्टेज बन गया। सब लोगों के अपने अपने विचार आ गए, सब लोगों ने अपने अपने विचार दिए और वो दूरदर्शन में व्यक्त किए गए और वो एक बन जाता है विषय मंच। ठीक। तो आप लोगों की समझ में आ रहा बेटा जी, आ गया ना। देखिएगा जन संचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से होते हैं, तो मालूम ही है आपको जन संचार के प्रमुख माध्यम कौन से होते हैं। पहला तो होता है समाचार पत्र। समाचार पत्र मतलब प्रिंट मीडिया, ठीक है। तो समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट और सिनेमा। ठीक। तो जन संचार से क्या तात्पर्य होता है, देखिए जन संचार से क्या तात्पर्य होता है, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, और ऊटीकरण क्या होता है, डी रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। और संचार के विविध प्रकार कौन कौन से होते हैं और सारे उनका वर्णन करना सबका। और जैसे अंतर्व्यक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद में जन संचार जो है किन कार्यों को संपन्न करता है, जैसे सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तय करना और विचार विमर्श करना। तो ये जो है ना, ये हैं जन संचार जो है किन किन कार्यों को संपन्न करता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये 6 जो हैं ये करता है। तो जन संचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है प्रिंट मीडिया रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट और सिनेमा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया जन संचार, ठीक है ना। जन संचार
एक लेसन जो है आपका आज कंप्लीट हो जाता है। आप उनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और उसको लिख के देखिएगा। आगे आप लिख लेंगे, लिख के समझिए, लर्न करिए उसको कि प्रिंट मीडिया क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग डी रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं, कूटीकरण क्या होता है ना। तो इस प्रकार से आप उनको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। नंबर जन संचार, क्या लिखेंगे, जन संचार। अब इसके बाद में नेक्स्ट डे, ठीक है बेटा जी, थैंक यू।